मेरे सारे नियोजित शिक्षक सभी को नमस्कार। नियोजित शिक्षक की तरफ से बिहार में एक बार फिर से 20 साल आंदोलन का तैयारी कर लिया गया है। जो डेट सामने निकल कर आ रहा है आंदोलन का, वो बहुत ही चौंकाने वाला है। और इसी बीच जो शिक्षक एग्जाम दिए हैं उनका रिजल्ट 15 मार्च से पहले रिजल्ट आने का संभावना है, पर सरकार तैयारी में है कि रिजल्ट 13 तारीख से पहले आ जाए, क्योंकि 13 तारीख को पटना उच्च न्यायालय में सुनवाई है। तो यहां पर जो डेट सामने निकल कर आ रहा है आंदोलन का, और इसी बीच मैं बता दूं 7 तारीख से यानी कल से आप लोग का फॉर्म भी भरे जाएंगे। जो नियोजित शिक्षक फॉर्म नहीं भरे थे, जो एग्जाम में नहीं बैठे थे, और मैं बता दूं 13 तारीख से पहले पहले रिजल्ट आ जाएंगे, तो वो शिक्षक भी भर पाएंगे जो इस बार एग्जाम में पास नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग समझ सकते हैं ये चाल, और इस चाल को पकड़ना होगा। एक टाइम था कि सारे नियोजित शिक्षक एकता होकर आवाज उठा रहे थे, और इसी एकता को तोड़ने के लिए फॉर्म निकाला गया, और फॉर्म बहुत सारे नियोजित शिक्षक भर दिए, और यहीं पर जो है नियोजित शिक्षक एकता टूटा। और जैसे ही नियोजित शिक्षक एकता टूटा, ऐसे ही चाहे शिक्षा विभाग हो, कोई भी सचिव हो, चाहे गवर्नमेंट हो, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि मैंने उस कड़ी को तोड़ दिया, और कड़ी टूटकर एग्जाम में बैठ गया। अब यहां पर तो ऐसे ही बंटवारा हो गया, आधे तो फुट यहां पर नियोजित शिक्षक बीच में फुट आ गया। अब इसमें बहुत सारे का रिजल्ट दिए जाएंगे, बहुत सारे का तो वो भी दिमाग लगाए जाएंगे कि अच्छे ट्रांसफर का तो बात किए जा रहे थे, बहुत सारे का, सबको तो नहीं दे पाएंगे, ये इंपॉसिबल है कहना, क्योंकि ये इसीलिए ट्रांसफर कर रहे हैं, इसीलिए एग्जाम ले रहे हैं कि वो अपने जिले में उनको ना मिले और कार्य को सही से करे। तो सारे को तो नहीं किए जाएंगे, पर मैटर को मैनेज करने के लिए ये कुछ को अपने अनुसार, मतलब उनके अनुसार जिस जिला में है वही रहने दे सकते हैं, और ऐसे में एक बड़ा आंदोलन का रुख ले सकता है। चाहे तो जो एग्जाम दे दिए हैं वो, और जो एग्जाम नहीं दिए हैं उनको तो डरा ही दिया गया है कि उनको हटा दिए जाएंगे, टीचर से बर्खास्त कर दिए जाएंगे अगर एग्जाम में नहीं बैठेंगे तो। पहला बात कि जो नियोजित का नाम लिया जाता है, पूरा बात को ध्यान से सुनिएगा, मेरा रिक्वेस्ट है। और जितने मेरे साथी हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जुड़े होंगे तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ये मेरा चैनल नहीं है, ये आपका चैनल है, ये मेरा आवाज नहीं है, ये आपका आवाज है, और ये आवाज पूरे बिहार देखता है। यार आज इस चैनल को पूरे बिहार देखते हैं, सबसे ज्यादा व्यूज आने वाला, सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलने वाला ये एक बिहार का चैनल है, जो कि सारे नियोजित शिक्षक के लिए। और आप लोग का सपोर्ट और प्यार आज इतना ज्यादा बड़ा है कि आज ये चैनल पूरे बिहार में नंबर वन पे आ गए। और जितने नियोजित शिक्षक, मेरा सारे से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल से जुड़कर इस आवाज को, इस मांग को पूरा करने में मदद करिएगा। तो सारे लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़िएगा। पहला बात, जो नियोजित शब्द दिया गया है, ये नियोजित शब्द ही मैं गलत मानता हूं। ये नियोजित होता क्या है, ये नियोजित शिक्षक होते क्या है? अरे भाई, जिस दिन आप रिक्रूटमेंट निकाले थे, नोटिफिकेशन आया था, नियमावली निकाले थे, उनका एग्जाम ले चुके थे, उसी दिन आपका शर्त था रिटायरमेंट तक जॉब करेंगे, तो नियोजित कहां से आ रहे हैं? अरे भाई, रिटायरमेंट तक वो शिक्षक है जब तक वो रिटायर नहीं कर जाते हैं। अब वही तो चीजें हैं, उनको समझ नहीं आया। अब चाहे डर से फॉर्म भरते, चाहे और कोई कारण हो, पर उनको समझ में ये बात नहीं आया। जब सरकार असक्षम था तो सारे शिक्षक सक्षम थे वोट देने के लिए, और आज सरकार सक्षम हो गए तो आज सारे नियोजित शिक्षक असक्षम हो गए। ये चाल को समझना होगा, ये बहुत ही बड़ा गेम है, और ये गेम को अभी खेला जाएगा, आप लोग देखते रहिएगा। और बहुत ही बड़ा आंदोलन होने वाला है सारे नियोजित शिक्षक के तरफ से, चाहे तो एग्जाम दे दिए वो, क्योंकि सारे को अच्छे ट्रांसफर नहीं मिलने वाले हैं, पर सरकार इस पर भी नजर रखा हुआ है। और सबसे बड़ा बात, जो 13 तारीख को सुनवाई होने वाले हैं हाईकोर्ट में, और एक मैं बात ही बता दूं, कल एक बहुत बड़ा मीटिंग भी होने वाले हैं, कल एक बहुत ही बड़ा मीटिंग होने वाले हैं सारे नियोजित शिक्षक की तरफ से। तो जितने भी मेरे साथी हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। कल का मीटिंग का बात मैं अपने चैनल पर जरूर रखूंगा, क्या क्या डिसीजन लिए जाते हैं जो शिक्षा की तरफ से, क्या बातें सामने निकल कर आते हैं, मैं वो भी बात रखने वाला हूं। पर मेन बड़ा मुद्दा है 13 तारीख को जो सुनवाई होने वाले, क्योंकि 13 तारीख को जो सुनवाई होंगे उससे सरकार को भी फटकार लगेगा। सरकार एक बार दो बार गलत नीति के विरुद्ध खड़ा होकर जीत सकता है, बार बार नहीं। आप कुछ भी नियम ला दीजिएगा, आप नियम निकालते हैं, रिक्रूटमेंट निकालते हैं, रिटायरमेंट तक का वादा करते हैं, और रिटायरमेंट, अब तो रिटायरमेंट के बाद ही ना वो हटेंगे, अब रिटायरमेंट तक का उनका फिक्स हो गया, वो कोई मजाक थोड़ी होता है नियमावली, और जो नियम निकालते हैं भर्ती करवाते हैं, कोई मजाक थोड़ी होता है। अब दो दिन बाद बोलिएगा भर्ती करने के बाद क्योंकि आपको हटाया जाएगा, तो वो सब चीजें मजाक नहीं होते, और वो कोर्ट उस पर बहुत जल्द फैसला देने वाला है। 13 तारीख को सुनवाई, सरकार को फटकार, शिक्षा विभाग हो उनको फटकार, बहुत ही बुरा लगने वाला है। और जो फैसला है ये सारे नियोजित शिक्षक के हक में आने वाले हैं, पक्ष में आने वाले हैं, उसका तो मुझे बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। पर सरकार 13 तारीख को सुनवाई होने से पहले बहुत सारे गेम खेलने का कोशिश करेगा, गेम को समझना होगा, ठीक है। और कल बहुत ही बड़ा मीटिंग है, कल मीटिंग का क्या कुछ फैसला आते हैं मैं सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिएगा।